चीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक ही हिंदुस्तान पे किए, उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके, हमने नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए, चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती, हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए, आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं चोई साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह ही पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ। आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, टॉपिक के ऊपर तो इनसे बात करेंगे। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उन्होंने स्पीच की, पाकिस्तान का जिक्र किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक मैसेज दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान को एक मैसेज दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो मैं भी पूछना चाहता हूँ और शायद आप भी पूछना चाहते होंगे, आबिद भाई के पास कौन सा ऐसा जादू का तोता, जादू की चिड़िया है कि जो प्रेडिक्शन करते हैं ऑलमोस्ट सच साबित हो जाती है। इन्होंने बोला कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा, वो फाइनल में पहुंचा। इन्होंने बोला कि कश्मीर में जो इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं 60% वोटिंग होगी, वो 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, क्या बात है। फिर इन्होंने बोला रिसेंटली, पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट बोला था कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे तो दो ही मुद्दे रखेंगे, दो ही टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक वो कहेंगे कि भाई हमें $7 बिलियन दे दो, पैसे दे दो, और दूसरा वो कहेंगे जी कश्मीर में जुल्म, कश्मीर में जुल्म, और सेम वैसा ही हुआ है। इस पे सबसे पहले आबिद भाई मुझे बताएं कैसे आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे इस सवाल का पहले जवाब दें, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, क्या सीन है आपको पता किधर से लगता है? चलो एक दफा तुक्का लगता है बंदे का, दो दफा तुक्का लगता है, आप तो क्या बात नहीं चोई साहब, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तुक्का है ना कुछ है। देखें मैं पाकिस्तान का मीडिया भी देखता हूँ और पाकिस्तान के साथ मैं इंटरनेशनल मीडिया भी देखता हूँ, कोई भी अक्लमंद हो जो सारी खबरें देखता होगा तो वो यही बात करेगा जो मैंने की है। मैंने कोई स्पेशल बात नहीं करती, ना जादू की चिड़िया मेरे पास है, ना जादू का तोता मेरे पास है। जब आप धड़ल्ले से सच बोलना जानते होगे, सच के ऊपर जब आप बात करोगे और आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे होगे, आपका दिमाग खुद ये सवाल बनाएगा। और ये चीज मैंने कोई झूठ तो नहीं कहा, आप पिछले 2-3 बार के आप देख ले यूनाइटेड नेशन के जो इजलास हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान के जो भी वजीर आजम गए उन्होंने जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। अब मुझे ये बताएं कश्मीर का रोना रोने से क्या कश्मीर आपने आजाद करवा लिया है? ये यूनाइटेड नेशन आपके साथ खड़ी हुई है, ये जितने 250 मुल्क उधर इकट्ठे होते हैं क्या उन्होंने आपके साथ मिलके कश्मीर को हल करवा लिया है? इसका हल कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर में उसका जो रोया जाता है ना वो उसमें भी उसके पीछे मकसद होते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे आते हैं। आबिद भाई मुझे बताएं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर GDP भी आपने चेक करनी है तो वहां पे दहशतगर्दी चेक कर लें, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखिए चोसा, इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के, हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होके पाकिस्तान को दहशतगर्द का या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ, आप पहले आप ये बताइए डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं,
दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी, यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए उन्होंने ज़र्बे अज़म का भी उसके बीच में इशारा दिया, उन्होंने ये अभी जो जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा, और उससे पहले पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाए तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई अब, मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊँ के पास। साहब देखिए पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में देख ले दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई सिर्फ अगस्त के महीने की, आपको बात बता रहा हूं, दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम भी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, तो हिंदुस्तान के भी जो है ना वजीर ने ये बात की है, तो भाई कोई ना मामला है तो अगले कर रहे हैं ना ये बात। ठीक हो गया आबिद भाई, ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफा उन्होंने इंडिया का कश्मीर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।